अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो आज बहुत मज़े की पायों की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, छोटे पायों की। तो ये पाए बहुत मज़े के बनेंगे। ये रेसिपी कैसे तैयार होगी, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब आपसे शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं 6 अदद पाए। पायों को हमने इस तरह साफ़ करवा के तो कट करवा लिए, ठीक है, अलहदा नहीं है। और पीछे नली वाली साइड यहाँ से ओपन की है। तो ये 6 अदद पाए हैं छोटे बकरे के, ठीक है। इसमें 1 अदद लहसुन जाएगा ये, और इसमें 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 2.5 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें हल्दी, 3 टीस्पून इसमें काली मिर्च, 2 टीस्पून इसमें सूखे धनिया का पाउडर, और 4 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, ठीक है। और साथ में ऑयल यूज़ होगा। तो चलें ये अब लहसुन को काट लेते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह मैश कर देते हैं। ये ले जी, ये लहसुन हो गए मैश। ये हम तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे जी। लहसुन को ब्राउन नहीं करना, बस 10 सेकंड के लिए इसे डाल के भून के, और साथ में ये पाई डाल देंगे। इसको अच्छे से भून के इसमें डालना है जीरा। जीरा डाल के इसे 5 से 6 मिनट तक भूनना है। हम ऐड करेंगे पानी। पायों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है कि इसकी जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, और ये हल्दी। इसको अच्छे तरीके से हमने भून ली है। इसमें हम आप ऐड करते हैं पानी। पानी हमने ऐड करना है 4 से 5 लीटर से बिल्कुल हल्की आंच पे ना। अब हमने इसे दम पे रख देना है। ये आटा लगाना है। ऐसे बॉर्डर पे लगा के ऐसे ढक्कन रख देना है। 3 घंटे हमने, 3 साढ़े 3 घंटे हमने इसे हल्की आंच पे बस दम पे पकाना है, और जो इसका टेस्ट आएगा माशाल्लाह। ये लें जी, अब इसको खोलते हैं। माशाल्लाह पानी तो सही तरह से इसका ड्राई हो के सही तरह से पाए गल गए हैं।
सही तरह से माशाल्लाह गल गए हैं। ये का कलर देखें कितना प्यारा है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। ये देखें ये पाए सही तरह से खुद से अलग हो गए हैं। ये नहीं, अब हम इसमें गर्म मसाला और काली मिर्च ऐड कर देंगे ऊपर। तो चले जी, ये नान को ऐसे तोड़ कर डालते हैं, अपने लिए नाश्ता तैयार करते हैं बस। ये लें जी, मेरा तो हो गया नाश्ता तैयार, तो आप कब ट्राई कर रहे हैं? चलें जी, ये देखें माशाल्लाह, चलें फिर हमें दें इजाज़त। तो ये रेसिपी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।